दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने एमक्योर फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट लेकर आई हूं जिसका नाम है फिलेट। जी हाँ दोस्तों, जो फिलेट 1 ग्राम के इंजेक्शन है ये एक एंटीबायोटिक है जो बिलोंग करती है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक से, जिसका इस्तेमाल कई टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बॉडी में हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इफ़ेक्टिव है जो इन्फेक्शन ब्रेन का हो जाता है जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या लंग का इन्फेक्शन जो नमोनिया हो जाता है, कान का हो या यूरिनरी ट्रैक का हो, स्किन का हो या सॉफ्ट टिश्यूज का हो, हड्डियों का हो, जोड़ों का हो, ब्लड या हार्ट, किसी भी जगह पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ये उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेफिट्रॉक्सोन है जिसकी मात्रा इसमें 1 ग्राम मिली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेफिट्रॉक्सोन सोडियम की मात्रा 1 ग्राम है। यहाँ पे मेंशन है कि पैक के अंदर पाउडर स्टरल वाटर मिला हुआ होता है। डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया हुआ है कि आपको डिसॉल्व करना है कंटेंट को 9.6 ml स्टरल वाटर में IV इंट्रावेनस नसों में देने के लिए, और 0.3.6 ml पानी में आपको तब मिलाना है जब आपको IM यानी इंट्रा मस्कुलर इस इंजेक्शन को देना है। ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। इस इंजेक्शन को जब भी लें तो अगर इसकी सील ब्रोक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करें, डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। ये वीडियो है आपको इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको डायरेक्टली नहीं करना है। ये इस्तेमाल आपका डॉक्टर, फिजिशियन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही करेगा। ये बस इस इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका इस्तेमाल कब, कैसे, क्यों किया जाता है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस इंजेक्शन को जनरली डॉक्टर सर्जरी, ऑपरेशन, सीजर जो होता है उसके दौरान देते हैं इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाने के लिए। ये ड्रिप में भी दिया जाता है, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न जिसको बोलते हैं, या डायरेक्टली आपके नसों में भी इंजेक्ट कराते हैं और मसल्स में भी इसको इंजेक्ट कराते हैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितना अमाउंट देना है, करेक्ट डोज ही आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपका डॉक्टर क्लियरली डिसाइड करता है कि पेशेंट को कब और कितना और कैसे ये इंजेक्शन देना है। ये जब इंजेक्शन लेते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको मतली होना, रैशेज आना, या लीवर फंक्शन में चेंजेस आना, या ब्लड सेल्स काउंट में कोई प्रॉब्लम होना। तो ये सारे टेम्प्रेरी होते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं। और साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उस जगह पे थोड़ा दर्द भी हो सकता है, तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं, हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं जाते हैं या आपको ज़्यादा परेशान करते हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। इसके दौरान अगर आपको कोई एलर्जी होती किसी भी एंटीबायोटिक से, या आपको लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन जो है इस्तेमाल होता है। ये बॉडी में जाके जो बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है उसको बनने से रोकता है और उसको तोड़ देता है, जिससे कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं और आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, या सर्जरी के दौरान आप इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। ये 1 ग्राम का वायल पैक है और ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इस फ्लेट 1 ग्राम इंजेक्शन पे। ध्यान रहे दोस्तों, फिर बोलती हूँ इसका इस्तेमाल आपको खुद नहीं करना है, ये आपके जो डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्स होते हैं, इसका इस्तेमाल वही आपको करेंगे। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। से कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप में से जो लोग चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।